काफी टाइम से मेरी और बिलाला जी की लड़ाई चल रही थी। तालुकात हाथ से गुजर जाए हाँ। तो काम मिलते हैं। हसन शेख से अब काम मिलते हैं। बिलाला जी वोट दे रहे हो इस दफा? यस। किसको? हाँ ठीक है रख लो। चलो जी गाइस अपार्टमेंट में पहुंच गए। इधर से आगे तक जा रहे हैं और क्या क्या इधर आज मेहरबानी कर रहे कि मुझसे कोई बंदा घर की बात ना करे क्योंकि आज जो है ना आपके भाई की पूरी छुट्टी है। गाइस पूरा 1000 रुपया अपने पास रख लिया और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। जन्म के बच्चों के लिए दूध लेने आए हूं। ये दूसरे वाला? हाँ ये वाला ले रहे। बैग ना लेके गए तो हमने अपनी उंगलियां जमा ली। दूध को इधर रखते हैं। पैसा जो इधर मिल रहे ना ये गेट बंद करने का मिल रहा है, गेट खोलने का नहीं मिल रहा। तो मेहरबानी करें इसको बंद रखा करें। जाते हुए भी गेट मैंने बंद किया, आते हुए भी गेट मैंने बंद किया, तो फायदा क्या हुआ यार बंदे का हमें। गाइस बिलाला जी के घर के ऊपर वो देखे ऊपर बैटमैन बैठा हुआ। पुत्र इधर से मौत ही मौत है। डर गई। बिल्ली चढ़ गई यार कहीं से ऊपर। मेरे ख्याल से खुदकुशी करने के मूड में है जो आजकल इकोनॉमी के हालात हमारे चल रहे हैं। तो यार आप लोग किसको वोट दे रहे हैं और इस वोट देने की ये नोट पे हम स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो लेट्स गो स्टार्ट द ब्लॉग। सेव कर लूं ना फिर देखते हैं आज का क्या सीन है। साथ में यार अपने गाने लगे हुए जिनसे अपार्टमेंट खरीदा था ना उन्होंने हमें दिए हुए पोर्टेबल गाने सुनने के लिए। यार गाइस देखते रहना शेख व्लॉग का, कोई काम गलत नहीं होना चाहिए। यार त्यार श्यार हो गयी, पहले नाश्ता वगैरह कर लेना। उस... क्या मैं भी त्यार श्यार हो गयी, कुछ खाने जाता। घर में खाओ ना। सुन यार ब्लॉग एडिट करने लगा हूँ, कुछ खाने बस आज जाना कहीं। कुछ इधर ही बना लो, दोपहर को चले जाएंगे यार, सुबह का टाइम है अभी। चलो मैं फिर बाहर जा रहा हूँ, मामा पापा को कह के आ चुके हम बाहर जा रहे हैं। टाइम वैसे 11:30 हो चुके हैं लेकिन कह रही है कोई नाश्ते वगैरह का कोई सीन बनाओ। गए जिधर से मैं वॉक करके उधर गया हूँ, इधर देखा बिलाला जी भी इधर निकले हुए हैं। यार वजन कम रहा था। ये क्या आजकल नया कारनामा हमारा ग्लैमर का पहन लिया इधर पकड़। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ओ ये नाम लिखा हुआ है गायद, ये पीछे नाम लिखा हुआ है। काफी टाइम से मेरी और बिलाला जी की लड़ाई चल रही थी जो इतना ये ब्लॉग्स में नहीं आ रहा था। ये लगा हुआ था अपने ग्लैमर के पीछे के नहीं यार, देखे तू फारिक आदमी है। किधर गई है? अब किधर गई है वो? यही होता है जब भाइयों को बंदा धोखा दे ना, आगे अगली भी धोखा दे के भागी है। क्या सीन है? चल चल नाश्ता करने जा रहा हूँ साथ चल फिर। चलो मैंने यही कहा कि चलो लड़ाइयाँ वगैरह चली जा होती रहती हैं लेकिन कोई नहीं, बुला देते हैं इस बात को भी। तुम ही हो बस, तुम ही हो मेरी आशिक की बस। आज गाइस अपनी रिस्पेक्टेड क्वीन पे हम जाएंगे। गाड़ी बस निकाल रहे हैं गाइस, फिर चलते हैं। गाड़ी निकली हुई अन्ने। यार ग्लासेस तो कसम से बड़ी जबरदस्त लग रही है, मुझे चेक करा जरा। कैसा लग रहा हूँ गाइस? लांतिया पहले से आराम है। खुसरा हमेशा मेरी चीजें पहन के आ जाते हैं व्लॉग में, कहते हैं उधर तू तो बात ही ना कर, तू मिला ही हमें 1 साल बाद है, तेरे अबे से भी हमें बड़े गिले हैं। मैं कब व्लॉग वालों को शेयर सुना? जी जी सुनाए सुनाए। तालुकात हाथ से गुजर जाए ठीक है, तालुकात हाथ से गुजर जाए। समरिया तालुकात हाथ से गुजर जाए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तालुकात हाथ से गुजर जाए तो काम मिलते हैं। हसन शेख से अब काम मिलते हैं। बिलाला जी वोट दे रहे हो इस दफा? यस। किसको? शेर। क्यों सर? काम ही नवाज शरीफ करता है। ये देख के मेट्रो किसने बनाई? किसने बनाई? किसने बनाई? मजदूर ने। और मजदूर किसने लगाया? शेर। दिखा तो वो हॉस्पिटल इतना बड़ा किसने बनाया? मजदूर ने तो बनाया, मजदूर को किसने लगाया? ठेकेदार को किसने लगाया? कंपनी। पैसा किसने लगाया? शेर। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तुमने किसको वोट देने? मैं दूंगी। ये वो मम्मी डैडी है ना, वो जाएगी पीटीआई को जाके फिर वोट दी। दिल्ली आ नहीं रही, दिल्ली आ गई है। क्या हम कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर लें? यार गाइस असल में आपका भाई जो है ना इस दफा मैंने बॉयकॉट किया वोट देने से, क्योंकि 2013 में मैंने दिया था हमारे सारे दिलों की धड़कन नवाज शरीफ को, वो बेचारा जेल में चला गया था। इस दफा मैंने अपने किंग खान इमरान खान को वोट दिया 2018 में, वो भी जेल में चला गया। अब मैं नहीं चाहता यार ये जुल्म मेरी तरफ से फिर से हो। मैं ये काम नहीं इस दफा करूंगा, इस दफा वोट नहीं डालूंगा। गाइस एक और ऑप्शन है मेरे, वो जो घर में बना रहा हूँ ना उधर अभी गैस का मीटर नहीं लगा, जो गैस का मीटर लगवा के देगा उसको वोट दे देंगे। बस चलते हैं यार कुछ खड़े। तुम बैठो ना जरा गाड़ी में जाके, हम खाना खाने जा रहे हैं। खाने में कुछ करने 1600 रुपए का ऑमलेट है, चल चले वहाँ। मुझे ये खिला दे तू, लैम शैंग। ये कहाँ लिखा है? लैम शैंग। ठीक है 2900 रुपए लिखा है, दिमाग खराब है तेरा यार। आई डोंट लुक एट द प्राइसेस क्योंकि वो तो कैमरे में पिक्चर्स देख के फिर ऑर्डर कर रही। चिकन क्रंच करते हैं। क्या ले रही हो?
चिकन टैरागन और मैं सोचूं साथ कॉफी दे दूं। कुछ दिन पहले हम लोग गए थे एक जगह पे कॉफी पीने, उधर मैंने दिखाया था आपको सुंदर चौस में डाल रही थी लकी ड्रॉ में, उधर इसकी एक महीने की फ्री कॉफी निकल आई है। पूछ इससे यार ऑर्डर ले, अब मैं इसको पूछूंगा अपने तरीके से ऑर्डर लेना या मैं जाऊं जीनो। यार गए तो ऑर्डर लेने कोई नहीं आ रहा काफी टाइम से। खाने में यार गए तो हमारी चीजें आ गई हैं, ब्रेड स्टिक्स आई हैं, थोड़े से बन चल रहे हैं, साथ थोड़ा बटर। टिकटॉक पे आया ये तरीका देखा था मैंने, कहा ट्राई करके देखे चलता भी है या नहीं। जिसको पहले हमने बड़ी नरमी से ना इसको हमने चेक करे यार मैं बटर किस तरह निकाला है। खाओ आ आ आ आ खाना आ गया यार मेरा बर्गर चेक करें यार क्रिस्प वो सब बर्गर बताने तो दे यार क्रिस्पी चिकन बर्गर है फिश है और ये टेरिकॉन चिकन है। खाना खा लिया गाइस, एक एक्स्ट्रा ड्रिंक मैंने अपने लिए रख लिया रास्ते के लिए। उनसे कहना कि अगर निकल गया ना एक्चुअली तो नाम ऊपर हसन शेख लिखवा गया ना। वो जा रही यार देखते हैं कुछ निकला या नहीं। कह रहे हैं जिस ब्रांच में आपने वो डाला था ना कूपन उधर से ही निकलेगा। A few inches later. यार गाइस जो नया वाला अपार्टमेंट लिया हुआ है ना उधर जब भी जाते हैं तो उधर कोई हाथ धोने के लिए साबुन नहीं, कोई तौलिया नहीं, बैठने के लिए कुर्सी नहीं। तो अभी उधर जाना था हमने तो उससे पहले मैंने इन्हें कहा थोड़ी शॉपिंग वगैरह करें, उधर जाओ टीवी एक लेके आओ जल्दी से। अच्छा कौन सा वाला? यार कोई बड़ी स्क्रीन कोई अच्छी सी लेके आओ, सबसे महंगा। बजट मेरे पास अभी सिर्फ 5,000 रुपए है। लाला जी ये कैसा टीवी रहेगा? ये ठीक है अगर प्राइस देखो, मैं शादी करूँ और मेरा ससुर मुझे दे दे अगर टीवी। कुर्सियाँ वगैरह इधर इस तरह की पड़ी हुई है, कोई मजे की चीज नहीं पड़ी हुई। ग्रीन वाली दे दो। वो भी नहीं अच्छी ना, ये भी यार एक कलर है, ये भी ठीक लग रहा है। क्वालिटी यार इधर चीजों की अच्छी नहीं है, बैलेंस ही कोई नहीं यार, हर चीज की क्वालिटी बहुत ही बेकार है, हेल्दी रहती है। फर्नीचर की चीजें बहुत ही बेकार क्वालिटी की, तो हम इधर से नहीं लेंगे, हम कहीं और से जाके लेंगे। अभी घर की बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजें ले रहे हैं, टॉवल वगैरह लेते हैं अपार्टमेंट के लिए। ये रख लो, ले लो व्हाट्सएप वाला ले लो, इस पर मेरा नंबर भी ले लो। ये ठीक है और दूसरा जो है कोई प्लास्टिक वाला लेके आओ वॉशरूम के लिए। नहीं ये नहीं अच्छा, अच्छे से कलर का लो, पिंक कलर नहीं थोड़ा मैनली लो, ब्लू कलर में अच्छा थोड़ी लगूंगा इसे साफ करते हैं। यार ब्लू पकड़ो, वो झाड़ू पकड़ना है आगे से, अच्छा सा बैठ के मारना जिस तरह बैठ के मारते हैं। हाँ ठीक है रख लो। तरबूज पड़ा हुआ यार इधर बड़ा अच्छा, 300 रुपए केजी, आम दिनों में ये तकरीबन 40-50 रुपए केजी होता है। सही कह रहा हूँ? हाँ सही, मोटा तरबूज है। सामान गाइस हमने ले लिया, अब चलते हैं आगे अपार्टमेंट में। बेर निकाल रहा था यार ये उसमें से बड़े मजे के, खोल दो मुझे। अपार्टमेंट में पहुंच गए आज सही से झाड़ू मारी, ऊपर से जाके देखते हैं यार अपनी लेग फेल हुई है या नहीं अभी तक। इधर से मारना शुरू करना झाड़ू, इधर से ये इधर मारना, सही से मार। चल अंदर पहुंच गए, ग्लासेस उतार ले। हाँ और किधर? नहीं वॉक करके जाते हैं। ओ तू तू उधर से आना, झाड़ू मारना उधर से आके। गाइस मैं कैसा लग रहा हूँ? कोई खोल देगा ये अपार्टमेंट। चलो जी चलो जी यार अपने अपार्टमेंट में घुसे। वो निकला है यार सामने बंदा, बाहर देख रहा है कौन था। इधर यार पहले टीवी ऑन करें ना लाइट। इधर एक रखो एक दूसरे में रख दो। बिलाला जी यार भाई जा रहे हैं व्यू चेक करने, हम इधर सामान सामान निकाल के रख रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। आप लोगों में से कभी कोई आए ना यार इधर, तो किचन मैंने इधर सामने अलमारी में रखे। कोक जो है इधर हमने रख दी, जिसने भी नहीं आके ले ले। अगली दफा है ना यार मेरी अलमारियां भी इधर भरो तुम। ठीक है कपड़ा लेके आएंगे। टॉवल वगैरह यार इधर भी लगा दिए। इधर अब चेक कर ले पानी आ रहा है या नहीं। हाँ पानी आ रहा है यार सही है। इधर जो सारी जगह है ना इस सारे को अपने दिमाग में पिक्चर कर लो और इसका एक 3D डिजाइन मुझे बना के दो। किस तरह होना चाहिए यार सोफे? इस तरह होने चाहिए या इधर से उधर जाने चाहिए? यूं और मेरे ख्याल से जो सामने अपार्टमेंट है ना वो इधर से यूं सेट हुआ है। गलत ही यार मेरे ख्याल इधर से सुंदर सही है क्या, उधर वो बीच में कॉलम आ जाता है। ठीक है यार यूं तो यूं ही सही। तो मैंने बात आपको सही की थी गाइस, 2,500 साल ही लगेंगे क्योंकि ये अभी आधी से भी काम इतनी भर चुकी है। इसके बाद ये ऊपर तक आएगी, ये भरेगी, और ये भी थोड़ी बहुत इन्होंने भर दी। क्या बात है, आगे वाली जो है वो फिर चेक करते हैं जाके। बैल्कनी के लिए ना यार कोई चेयर्स वगैरह करनी है कि जब आया करें ना इधर बैठने की जगह। अभी हमारे पास बैठने की जगह कोई नहीं होती तो हम बस करते हैं यूं आए यूं गए। बंद करना जरूरी है, कोई हमारा फालतू बिल ना आए। नहीं इधर से ही आए थे यार, यही है। एक यार गाइस जिसकी लिफ्ट इस तरफ है, एक लिफ्ट वो सामने उस तरफ है। बिल्डिंग कोई ज्यादा ही ठंडी नहीं हुई भी आज, सर्दी बड़ी सख्त हुई हुई है आज। यार गाइस हमने कहा थोड़ा आगे भी एक्सप्लोर करके आए, तो थोड़ा हम लोग इधर से आगे तक जा रहे हैं। और क्या क्या इधर, जहाँ अंदर उतर तू जहाँ अंदर। लव ब्रिज चेक करें गाइस,
ये हम लोग लंदन के टावर ब्रिज के ऊपर फेर रहे हैं। ये रिवर थेम्स है नीचे, उधर भी ऐसा ही पानी है और इधर भी ऐसा ही पानी है। सामने जो है यार वो लोगों के घर है और ये सारा गोल्फ कोर्स वगैरह। असल में जगह इतनी बड़ी है, गोल्फ कार्ट के साथ बंदा आए ना फिर पूरी वो आगे जाके एक्सप्लोर करे। बिलाला जी बस ये सामने वाली पहाड़ी के टॉप तक चलते हैं, बस उसके बाद वापस निकलते हैं। मेरा ग्रे स्ट्रक्चर उधर तैयार हो रहा है, वो भी देख लेते हैं। चेक करें यार घरों के साथ स्विमिंग पूल वगैरह भी बने हुए। किसी वक्त टाइम निकाल के आएंगे यार, फुल आगे तक एक्सप्लोर करके आएंगे, लेकिन अभी नहीं। और गाइस प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, तो इधर आता कोई नहीं, तो सुकून से इधर अपना अंबड़े में दूर दूर तक आप देखें, कोई आपको बंदा ही नहीं नजर आना। आइलैंड है उस तरफ, सामने टेनिस कोर्ट और स्विमिंग पूल वगैरह भी है, किसी दिन उधर जाके स्विमिंग करेंगे। लेको थैंक यू। चलो यार वापस चलते हैं। उधर तू पानी टच करके नीचे आ, मैं तुझे 5000 रुपए दूंगा। दे 5000। पहले तू टच करके मैं दूंगा, तू टच करके, तू टच कर मैं दूंगा। तू कर क्या मैं दूंगा, सामने ये तुझे पता है पड़े हुए। अच्छा तुम पीछे से भाग जाओ, मैं पानी में गिर जाऊँ। नहीं गिरेगा, जा टच करके। 2500 और साल लगेंगे तो इधर तक बाहर जाएगा, फिर हाथ लगा लेंगे। एंट्रेंस लॉबी चेक करें यार, ये भी सही स्टाइलिश है। ठीक है यार, टीवी की सेटिंग इस जगह पे होगी, क्योंकि इस कमरे में ना साइड टेबल्स की जगह ये बनी हुई और टीवी की सेटिंग ये बनी हुई है। खुल जा सिंसिप, अब होम स्वीट होम चलते हैं। 2 hours later पहुंच गए यार 250-300 साल बाद घर। अब जलाल साहब की कुर्सियां ही ना ले जाओ अपार्टमेंट में। मेरे इधर बैठने से पहले ना जल्दी से इधर हीटर ऑन करो। रिमोट का प्लेस्टेशन का, इसको हमने इधर रखना है और इधर हमने खेलनी है अपनी फोर्टनाइट। सुंदर ये हरकत तुम्हारे से मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, इतनी गंदी इस उम्र में। सुंदर हट जाओ इधर से, फ्री कॉफी पीनी है। हां जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें 1 महीना फ्री कॉफी पिलाऊंगी। इसने अपनी दोस्त को कहा था तो वो जाके इसका वाउचर पिक कर रही है, तो पूरा 1 महीने के लिए हमारे लिए कॉफी फ्री होगी। उधर सारे काम अब अपनी जगह, अभी हम सिर्फ खेलेंगे फोर्टनाइट। अभी मैं गया हुआ था रोटियां लाने, तो लेके आया हूँ 4 खमीर 2 पतीर। इधर गाइस सनम भी आ गई है। ओ मलिक साहब क्या हाल है? नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ते में आज कॉफी और अंडा। नाश्ता करूंगा यार आज डिस्को में ही बैठ के और साइड के ऊपर भी चल के देखते हैं क्या काम चल रहा है। चौकीदार का भी फोन आ गया, भाई तुसी कल आए नहीं, इतने तो कोई मिस्त्री ही नहीं आया। रस्ते से थोड़ा किचन का हार्डवेयर फिट करना। पहुंच गए यार होम स्वीट होम, वो सामने देखे सारी खिड़कियां फिर से उतार के ले गए। ये सारी खिड़कियां फिर से उतार के ले गए, कह रहे हैं हमारे हिसाब से अभी क्वालिटी अप्रूव नहीं है। उनका अपना ही कोई क्वालिटी चेक वाला आता है, उनके हिसाब से ठीक नहीं होती, वो फिर उतार के ले जाते हैं, फिर लगा लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद उतार लेते हैं। इस जगह पे उस दिन खुदाई करवाई थी ना मेन होल्स निकालने के लिए, उधर भी निकले हुए, उसके लिए मिस्त्री को मैंने पकड़ के बुलाया। मिस्त्री जो है पहले कंक्रीट करेगा, फिर मेन होल्स के साइड पे चिप्स करेगा, उसके बाद ऊपर टाइल्स लगेंगी। किचन के भी फ्रंट के शटर्स जो है ना ये सारे तैयार हो चुके हैं। पहले जो था ना इसमें ये डिजाइनिंग रहती थी, अब ये भी बीच में ये ग्रूविंग वगैरह इसके अंदर से टक शक निकल आए। शटर जो है सारे बाहर आ गए, इनकी अभी रगड़ाई शुरू होगी, रगड़ाई जिस वक्त पूरी हो जाएगी ना उसके ऊपर इधर पॉलिश शुरू होगी। टाइम यार आप लोगों के सामने 1:30 बज गया। खाने में पहले यार पानी आ गया और साथ में मैंने अपना वही यार चिकन टिक्का लिया। इस दफा मैंने कहा कि कल जो थी थोड़ी ओवर ईटिंग हो गई थी, तो मैंने कहा आज वापस अपने चिकन टिक्के पे हम वापस आ गए। सही मजे का फ्रेश लगा होता गरम। पहले हम लोग अपना थोड़ा सा चिकन लेंगे ना, उसके ऊपर लगाएंगे दही। और शॉप पर आ गए, अभी थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा इधर बैठ के काम कर लेता हूँ। ये चेक करे, वो सामने इस एरिया का कैंडिडेट जा रहा है, उसने पीछे मोटरसाइकिल पे ढोल वाला बिठाया हुआ है। ये पीछे ढोल बजाता जा रहा है, वो आगे मोटरसाइकिल चलाता जा रहा है। ओ गाइस यार ये नून लीग की रैली है, वो जो सामने बड़ी गाड़ी जा रही है उसके अंदर असल शेर उन्होंने बिठाया हुआ है। इस गाड़ी के अंदर शेर बैठा हुआ है। यार आगे जाओ आगे जाओ, पहले हम अपना शेर तो दिखाते हैं। ये शेर अंदर भी कहता होगा किधर पाकिस्तान में आ गया, फंस गया। कुछ लोग हमारा ब्लॉग पाकिस्तान के बाहर से भी देखते हैं, तो जिन्हें ये शेर की लॉजिक नहीं समझ आई ना यार, ये इलेक्शन सिंबल है नवाज शरीफ का। और गाइस मैं वोट दू ना दू, पहले ऑलरेडी पता है कि जीतना इस दफा नवाज शरीफ में ही है, जैसे लास्ट टाइम हमें पता था कि इमरान खान ने जीतना था। गाइस होम स्वीट होम पहुंच गए। शॉप पे मैंने इसको दिलवाने के लिए दिया था, लेकिन रश ही इतना ज्यादा था, उसने कहा था 2 घंटे और लगेंगे, तो मैं अभी ले आया हूँ। अगर मैं अभी थोड़ी देर ब्लॉग एडिट करूँ, अगर मुझे टाइम मिला ना तो मैं खुद ही दो दूंगा इसको। अभी फारिग हुआ हूँ यार ब्लॉग एडिट करके, और कल जो यार मेट्रो में हम बीन बैग देख रहे थे ना, उधर बिल्कुल ही बेकार क्वालिटी के थे, तो मैंने अभी लाहौर ऑनलाइन ऑर्डर करवाया। इस डिजाइन में ऑर्डर करवाया इस टूल के साथ, लेकिन लेदर में मैंने ऑर्डर नहीं करवाया, मैंने जो है ये वेलवेट में ऑर्डर करवाया इस ब्लू कलर में। जब आएगा तो उसकी भी देख लेंगे कैसी क्वालिटी, आप लोगों को बता भी दूंगा। और अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, और इस खाना खाने के नोट पे मैं एंड करता हूँ आज का ब्लॉग। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके आज शीशा टूटता है तो टूट जाने दो।
खिड़कियों के लॉक्स वगैरह सारे चेक कर रहे बंद है कि नहीं। पिछली दफा हमजा के साथ आया था ना, उधर पीछे एक खिड़की है वो खुली रह गई थी, तो इस वक्त ये अपार्टमेंट जो है ठंडा या थू हुआ है। बिलाला जी पोज इस तरह कर रहे हैं कि इसको नहीं पता कि पिक्चर्स खींची जा इसको नहीं पता पिक्चर्स खींची जा रही है, सारे कैंडिड मोमेंट्स हो रहे हैं। इधर लेट के पिक्चर्स खिंचाते हैं, लेटो तुम लेटो लेटो अगली दफा गाइस इधर टाइम निकाल के आने, गोल्फ खेलनी हमने। चलो शॉर्ट 1 2 3 छक्का मारो। छक्का नहीं मारते, गोल्फ में क्लास होती है और बात नहीं ज्यादा करते, कंसंट्रेशन। okay. जब तक तुमने शॉर्ट मारी तब तक वो मर गया।